ऐसा लगता है किसी ने आपके मुंह पर ना छापर मार दिया हो। ये बहुत ही सच्चाई है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं व्लॉग घर के अंदर से ही स्टार्ट कर रही हूँ। चाहती तो मैं बाहर से स्टार्ट कर सकती थी। अभी मैं दरवाज़ा भी नहीं खोलूँगी, खोलूँगी तो कोई आ जाएगा। तो अभी क्यों मैं अंदर से स्टार्ट करूँगी, मैं बोलूँगी तो अभी सब लोग कमेंट लिखना स्टार्ट कर देंगे फिर से। तो आज सना नहीं आई। नहीं यार, शी इज़ अ सिंगल मॉम एंड अभी ना वेदर यहाँ का लाइक दिस वेदर इज़ वेरी बैड बिकॉज अचानक से यू नो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे ठंडी बढ़ जाएगा एंड बहुत सारे फ्लू होते, बहुत सारे वायरसेस होते। नाउ द टाइम इज़, आप लोग ही देख लीजिए, इट्स 11:15 एंड मैं फुल जेल के अंदर, उसी जेल के बाहर जाऊँगी तो तुरंत फर्स्ट किचन में चला जाएगा। एंड मेरे ना सुबह से आज मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं हुआ। एक्चुअली सिद्ध को ना अभी विंटर्स है ना, मैं बोलती हूँ ना घर में सिद्ध रहता है, देन ऑफ सिद्ध रेस्ट का खेल रहा है। रेक्स का कोई भी रिएक्शन नहीं है ये। आज एक्चुअली मैं सोच रही थी दैट आई विल शेयर माय ब्लैक फ्राइडे का हॉल। जस्ट देखिए, इस बार हम लोगों ने बहुत खरीदा है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। एक्चुअली पर काफ़ी अच्छे डील्स थे। फिर साइबर मंडे पे भी हम लोगों ने खरीदा। शॉमिक वाज लाइक यू नो जो 50% से कम है जो तुमको चाहिए। पर अभी मैं सोचती हूँ ना यार, मैं ना ये सब में इतनी लाइक मैं ना इतना ज़्यादा नहीं सोचती हूँ। मुझे ना एक्चुअली क्रिसमस में सबको गिफ्ट देना है ना, उसके लिए भी मुझे खरीदना था जो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। तो जो भी होगा ये बाबा व्हाट हैपेंड। तो वही आज मैं बहुत ही रैंडम ब्लॉग करूंगी ना, जिस दिन आपके घर अकॉर्डिंग टू जैसा आपने प्लान आउट किया था वैसा ना चले। एंड सुबह से अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। सिद्ध को ना थोड़ा ठंडी लग गया था कल, तो यू नो उसको मुश्किल हो रहा था व्हेन ही वाज स्लीपिंग। तो मैंने रात को मैंने बोला, शॉमिक को बोला तुम गेस्ट रूम में चले जाओ, मैं सिद्ध को अपने पास सुलाती हूँ। यू नो बच्चों को ना ऐसा क्या बोलेंगे, ऐसा टर्न करके सुलाते हैं ना, लाइक अपसाइड डाउन करके इफ़ दे हैव कंजेशन एंड ऑल, तो दे कैन स्लीप इजीली। तो एंड सिद्ध कल बहुत लाइक ही वाज वेकिंग अप थोड़े थोड़े देर के बाद बिकॉज ऑफ द कंजेशन। एंड अभी सिद्ध को सेलिन स्प्रे एंड ऑल देना, इट्स सो टफ। लाइक वो नींद में भी होगा ना, यू कांट गिव हिम। तो जो भी हो, वो चक्कर में मेरा इतना अच्छा नींद नहीं हुआ। तो सुबह मैंने जल्दी जल्दी सबको बना के दिया ब्रेकफास्ट एंड ऑल। फिर मुझे लगा मैं थोड़ा सो जाती हूँ, 9 बजे तो सना आएगी एंड मैरी तो घर वर सब साफ करके देगी, फिर मैं जगूंगी एंड देन आई विल हैव माय ब्रेकफास्ट। और उसके बाद कुछ देखो, सॉक्स पहनाया है ना, निकाल देगा। इज इन अ मिशन, सॉक्स निकालना है। राय के टाइम में ना, जब कभी ऐसा सिचुएशन होता था व्हेन मैंने प्लान किया है डे ऐसा होगा एंड ऐसा नहीं गया, स्पेशली जब मैं इंडिया में थी, आई यूज़ टू गेट सो वरीड। पर बोलते हैं ना, उम्र के साथ साथ हम लोगों का पेशेंस एंड लाइफ को लेके एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़ जाता है। तो नाउ कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है यार, आई जस्ट एन्जॉय ऑल दिस क्यूट क्यूट मोमेंट विद सिद्ध, क्योंकि ये सब मोमेंट्स और बाद में कहाँ आएंगे। ये राजमा मैंने कल रात को ही बॉयल करके रखा था एंड सिद्ध को यहाँ पे बिठा दिया है। सिद्ध का फेवरेट हॉबी इज पेपर छोटे 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 टुकड़ों में कट करना। सी कितना छोटे छोटे पीस कर रहा है एंड मुझे पता भी नहीं था। मेनी ऑफ यू आर सेइंग इट सीम्स इट्स अ पार्ट ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। या सो ही इज बिजी नाउ। मैं एक रोटी बना के खाऊंगी एंड हम लोग के घर में ये फुलका रोटी हर वक्त रहता है, दिस इज बहुत बेहतरीन है ये। जब से यू नो व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट तब से शॉमिक लाना स्टार्ट किए हैं, बिकॉज ये सिर्फ रोटी बना के वो लोग ऐसा रख देते हैं। एंड शनिवार को जो मैंने आलू की सब्जी बनाया था वो था, तो मैंने थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया है, तो इससे मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। गुड, ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट एंड रोटी में थोड़ा सिद्ध को भी खिलाऊंगी। तो सिद्ध को रोटी खाना इतना भी ज्यादा पसंद नहीं है, पर हाँ बच्चों को ये सब किचन रिलेटेड सामान से खेलना सबसे ज्यादा पसंद है। राजमा के लिए सब कुछ, राजमा के लिए जो जो चाहिए ना मैंने सब कट कर लिया है। अभी मैं इसको थोड़ा फ्राई करूंगी अच्छी तरीके से।
तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट पैन पे जीरा दिया है एंड देन नाउ लेट्स ऐड एवरीथिंग। तो फ्लेम को लो करके अभी मैं कवर करके रख दूंगी, धीरे धीरे बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सब कुछ अच्छी तरीके से लाइक बॉईल टाइप हो गया है। अभी दिस इज बेस्ट यू नो, अभी मुझे ऑयल भी ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा एंड वो कोई टेंशन नहीं है कि ज़्यादा भूनना है ऑयल पड़ेगा, तो ठंडा हो जाए देना, आई विल मेक ए पेस्ट आउट ऑफ इट। तो मैंने पंछी को आज़ाद कर दिया है क्योंकि सभी गेट्स यू नो एवरीथिंग इज लॉक्ड एंड यहाँ पे सीध बहुत पकड़ता था ना, तो यहाँ पे भी सी हम लोगों ने लॉक लगा दिया, तो अभी किचन में कोई टेंशन नहीं है। एंड ये ना बहुत क्लेवर, एक दिन ये आया एंड देन ही सॉ की लॉक है तो फिर वह आता ही नहीं है। तो अभी सीध के लिए मैं सिर्फ बॉयल्ड वेजीज बना रही हूँ बिकॉज इसका राइस ऑलरेडी है, तो मैं घी से खिलाती हूँ। वाट यू आर डूइंग? हाँ तो सिर्फ सब कुछ बंद है क्योंकि वो चेयर में कितना टाइम रखेंगे यार बच्चों को, यू नो वंस दे स्टार्ट मूविंग। तो इसको खेलने दो एंड मेरा घर का हालत तो छोड़ ही देते यार, होगा झाड़ू लगा दूंगी क्योंकि ये सब पेपर एंड ऑल ना वैक्यूम में सक तो कर लेगा पर फिर क्या होता है पाइप ही ब्लॉक हो जाता है, झाड़ू ओनली इज द ईजी थिंग। फिर मैं सोच रही हूँ ये बनाना हो जाए, यू नो सिद का हो जाए खाना, देन आई एम प्लानिंग कि मैं पार्क लेके चली जाऊँगी क्योंकि मुझे रैक्स का भी काम कराना है, वो ही विंटर्स में मैं बोल रही थी ना, दैट इज ओनली अ बिग प्रॉब्लम। लाइफ में ऐसे ही चैलेंजेस कम है एंड मुझे लगता है ओवर द टॉप ये ठंडियों के जगह में ना और एक एक्स्ट्रा चैलेंजेस आ जाते हैं, स्पेशली विंटर में खुद रेडी हो फिर ये बच्चों को तैयार करो लेयर के ऊपर लेयर। एंड सिद को भी शायद अभी ठंडी लगता है बिकॉज नाउ ना ही इज वेयरिंग कैप, कभी भी कैप और बाहर नहीं निकालता है, तो वही अभी मैं इसको फुल कवर कर दिया, हमसे उसको निकालना है अपना लेग। अगर बाहर का टेम्परेचर -2 है ना तो ये पार्क का टेम्परेचर -4 या -6 होगा, लाइक दिस पार्क इज सो कोल्ड ना यू नो एंड हवा इतना देता है। तो रेक्स जल्दी जल्दी अपना काम खत्म कर ले फिर तुरंत चली जाऊंगी। तो एक बहुत बड़ा काम हो गया एंड मैं आप सबको क्या ठंडी बताओ, जो लोग ने ऐसा ठंडी एक्सपीरियंस किया है मोस्ट ऑफ यू कैन अंडरस्टैंड यू नो, स्पेशली जब हवा चले ना ऐसा लगता है ना किसी ने आपके मुंह पर ना छापड़ मार दिया हो। एंड ऊपर से मेरा ग्लव्स मैं लाई में पहनना ही भूल गई, वो भी एक ही है, ये मुझे लगता है शॉमिक का है, मेरा ग्लव्स निकालना पड़ेगा। तो चलिए राजमा बनाते हैं। तो फर्स्ट में ऑयल जब गर्म हुआ था मैं ना इसमें 2 बड़ी इलायची ऐड करती हूँ, कभी राजमा में बड़ी इलायची ऐड कीजिएगा काफी टेस्टी लगता है। एंड फिर जो हम लोगों ने सब कुछ भूना था उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, आई एम एडिंग लिटिल बिट ऑफ वाटर। फिर मैंने इसमें ऐड किया है रेड चिली पाउडर एंड धनिया पाउडर बस, और मैं ज़्यादा कुछ मसाले ऐड नहीं करती हूँ एंड ऑलरेडी भुना हुआ है तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। मेरा ना सॉल्ट ख़त्म हो गया है, चलिए सॉल्ट भी भर के रख देते हैं। एंड सी कितना अच्छी तरीके से ऑयल भी निकलना स्टार्ट हो गया है, तो अभी बस राजमा ऐड कर देंगे। एंड मुझे लगता है ना ये कश्मीरी राजमा है, आप लोग सब बताना ना, बहुत ऐसे रेड कलर का है एंड इसमें मैंने 10 सीटी दिया था, तो आई फील दिस इज कश्मीरी राजमा। एंड मैं जब राजमा बनाती हूँ ना मैं ना बहुत सारा कोरिएंडर लीव्स देती हूँ, काफ़ी टेस्टी लगता है। तो अभी इसको धीरे धीरे ये होगा एंड इन द मीन वाइल जब तक ये राजमा फुल होता है चलिए सिद को भी खाना खिला देते। सिद का खाना हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो लाइक सबसे बड़ा मेरा काम ख़त्म हो गया एंड राजमा ऑलरेडी बॉयल था तो बहुत अभी एक स्मूथ टेक्सचर बन चुका है, सो फाइनली राजमा इज डन। एंड मुझे लगता है राजमा तो यार चावल के साथ ही सबसे अच्छे लगते हैं। बच्चों का लाइफ ना मुझे लगता है महाराजों के जैसे होता है, यू नो ऑलवेज दे हैव अ रूटीन एंड परफेक्टली सब कुछ होना चाहिए। तो अभी सिद के सोने के लिए मैं रूम तैयार कर रही हूँ। सो अभी फुल रूम अंधेरा कर दिया है क्योंकि सिद अभी सो जाएगा, सिद का मिल्क गर्म करने को दिया है एंड ही लव्स प्लेइंग विद ऑल दिस, वो मॉन्टेसरी टॉयज बोलते हैं ना, वो सेंसरी टॉयज
पर हाँ ये सब टॉयज में भी ना आप देखेंगे कोई कोई टॉयज का दे विल लेट एज इज फॉर 12 मंथ्स बट व्हेन यू विल गेट द टॉयज ना देन आप देखेंगे अरे ये टॉयज तो एज के अप्रोप्रिएट लाइक एज अप्रोप्रिएट नहीं है थोड़ा बड़ा लग रहा है थोड़े बड़े बच्चों के लिए है तो जो भी हो एक्चुअली ये एज में ना इट्स नॉट दैट टफ बिकॉज एक रूटीन सेट हो जाता है ना कल जैसे सिद ना 11:30 को ही सो गया फिर सना रह के क्या करेगी तो सना वॉज लाइक कि सिद सो गया मैं चली जाती हूँ कि देखो अभी जैसे कि वो बिस्तर से ही इज गेटिंग डाउन तो उसको पता है कैसा करके यू नो हाउ टू गेट डाउन तो सिद तो सो गया देन आई वॉज वॉचिंग सम वीडियो देन एक लेडी का मैंने वीडियो देखा एंड क्या बोलूँ दिस दैट वीडियो यू नो मेनी ऑफ यू कैन कनेक्ट जो लोग बाहर रहते यू नो हम लोग जो बाहर रहते बहुत सारे बिकॉज आई मीन सोशल मीडिया बहुत सारे मेरे ऐसे कमेंट आते हैं कि अरे तुम लोग का लाइफ तो बहुत ईजी है हम लोगों को भी पहले यू नो वी यूज़ टू फील अरे बाहर रहते हो मतलब यू नो सारे प्रॉब्लम से दूर कुछ और टेंशन एंड ऑल नहीं है तो आई थिंक सो शी वेंट टू कनाडा यार कनाडा में गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आई एम सॉरी एंड शी वॉज न वेरी हार्श रियलिटी उसने बोला है ऑफ स्टेइंग एब्रॉड तो वो लोग दे स्टेड फॉर 2 या 3 months एंड फिर वो लोग वापस आ गए एंड द रीजन शी वॉज सेइंग यू नो विच आई कैन सो मच रिलेट टू तो शी वॉज सेइंग कि जब वो लोग आए यू नो शी वॉज लाइक सारे हम लोगों के पैसे जा रहे थे जितना हम लोगों ने इंडिया से कमाया है बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव यू नो सेटल होने में टाइम लगता है आई रिमेंबर हम लोग जब आए तो शॉमिक से बोलते थे यू नो सारे इंडिया के पैसे जा रहे बिकॉज हम लोग आए देन वी हैड टू गेट ए कार क्योंकि इतना ज़्यादा ठंडी है यहाँ पे एंड वी केम इन द मंथ ऑफ जैन एंड कैसे करके ऑफिस जाएंगे यार यहाँ पे ऑफिस जाना इज इम्पॉसिबल अगर आप कैब ले तो सो यू नो द कैब चार्जेस वॉज $20 $25 यू नो आने जाने में डेली आपका $50 चला जाए सो वी डिसाइडेड कि हम लोगों को सेकेंड से सेकेंड हैंड एक कार लेना है दैट टाइम ऑल्सो 2010 रिसेशन का टाइम था तो बहुत सस्ते में मिल गया जो भी हो यू नो देन doing all the other things you know घर के लिए सिक्योरिटी बिकॉज वी डिन हैव एनी क्रेडिट हिस्ट्री तो सब लोग हम लोग से ज़्यादा ले रहे थे तो मैंने कैमरा को ट्राईपॉड पे लगा दिया है मुझे लगा चलो थोड़ा बैठ के बात किया जाए ऐसा डेली तो मैं अपना काम दिखाती रहती हूँ वो बोरिंग सा काम और कितना और दिखा हुआ है ना भी कुछ करने के लिए है नहीं मैरी सब कुछ करके गई है ओनली मुझे हाँ ये सब झाड़ू देना है तो आई फेल्ट दिस टॉपिक वॉज सो रिलेटेबल एंड जैसे बहुत जन बोल रहे थे वॉज टेलिंग हर यू नो कि तुम लोगों को और थोड़ा वेट करना चाहिए था एंड स्पेशली व्हेन वी कम हियर ना पहले तो जो सबसे मेनी ऑफ यू आई एम श्योर माइट हैव फेल द सेम दैट लगता है ना अचानक से ना वी आर काउंटिंग डॉलर सभी कुछ हम लोगों को ज़्यादा लग रहा है लाइक इंडिया में से मैं नॉर्मल लाइफ के बारे में बात कर लूँ आई एम सेइंग ऑफ ए मिडिल क्लास फैमिली का जो लाइफ होता है ये थ्रेडिंग कराना ये हेयर कट कराना ये ऐसा कोई बड़ा बात नहीं सभी लोग जाके मे बी गली के पार्लर से कराते हैं ये तो बहुत हाई फाई सैलून से कराते हैं बट व्हेन यू कम हियर ना फर्स्ट में सभी लोग सोचते हैं बिकॉज इट इज़ सो एक्सपेंसिव यू नो जब भी आप सोचे कि $15 उसके ऊपर में टिप्स देना पड़ेगा फिर $20-$25 यू नो एवरेज हो जाता है मैं ऐसे नॉर्मल स्पा के बारे में बात कर रही हूँ नॉर्मल जो हेयर स्पा होते हैं जो मॉल्स में होते हैं तो वैसा बहुतों का हुआ है आई थिंक सो मैंने अपना हेयर कट सिर्फ साल में तब एक दो बार ही मैं कराती थी बिकॉज आई यूज़ टू थिंक सो मच बट देखा जाए तो इंडिया में कभी भी हम लोग ये सब नहीं सोचते थे अगेन मैं बोलूँगी सभी का लाइफस्टाइल अलग अलग होता है सो सडनली ना लाइफस्टाइल अब जो लाइफस्टाइल भी इंडिया में है वी कम लिटिल बिट डाउन एंड तब ऐसा बहुत ऐसा लगता है हे भगवान यू नो ऑलवेज वी वेज टू कैलकुलेट ये पहले बहुतों के साथ होता है आई रिमेम्बर हम लोग एक रिलेटिव आए थे अभी भी वो लोग US में ही रह रहे चार साल पहले तो व्हेन दे केम ना उनके हस्बैंड ने ना इतना ज़्यादा कुछ रिसर्च नहीं किया था मैं तो हर वक्त बोलूँगी अभी सोशल मीडिया इज़ यू नो सोशल मीडिया से यू ऑल कैन गेट सो मच इन्फॉर्मेशन देर आर सो मेनी फेसबुक पेजेस जो लोग ओपनली लिखते हैं यू नो मुझे इतना सैलरी दे रहे कैन आई मैनेज माई फैमिली एंड ऑल तो उन्होंने ना कुछ भी रिसर्च नहीं किया था तो उनको जो सैलरी वो लोग बोल रहे थे देंगे सो ही कन्वर्टेड इन टू इंडियन रुपीज एंड वो बहुत खुश हो गए बिकॉज इंडियन रुपीज में करोड़ में आ रहा था एंड तो ही वॉज सो हैप्पी तो यहाँ आने के बाद ना आई डोंट नो वाई ही डिन नो कि यू नो उनको पता क्यों नहीं चला कि टैक्स भी देना पड़ेगा एवरी वन नोज US में टैक्स तो होता है एंड काफ़ी हाई भी होता है
तो उन्होंने जैसे $3,000 का घर रेंट पे लिया, जो देख के मतलब मैं और शौमिक भी थोड़े यू नो वी वर लिटिल बिट हाँ $3,000 का घर रेंट पे ले लिया एंड ही वाज लाइक हाँ मैं ये खरीदूंगा. पर जब असली यू नो व्हेन द रियलिटी चेक केम व्हेन ही गॉट हिज फर्स्ट सैलरी तब यू नो हिज वाइफ वॉज सो एंग्री बिकॉज वो बिल्कुल भी आना नहीं चाहती थी. लाइक इंडिया में ना दे हैड अ बिग फ्लैट था वो लोग का, अभी भी है, बिग फ्लैट है एंड यू नो दे वर लिविंग अ वेरी मच स्टैंडर्ड लाइफ. तो शी वॉज सो डिसहर्टेड. यू नो एक बार मैं उसके साथ मॉल पर गई थी तो शी वॉज सेइंग यू नो दीदी मुझे अभी इतना अपने आप को छोटा लगता है, मैं कुछ भी खरीद नहीं पाती हूँ. तो ये सबके साथ ही होता है कहीं ना कहीं व्हेन यू इनिशियली कम. तो तब मैं उसको बोल रही थी यू नो मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, पर धीरे धीरे रहते रहे जैसे जैसे तरक्की होता जाता है सब कुछ ठीक हो जाता है. बट हाँ जब हम लोग आए थे तब राय छोटी थी, राय के ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं था, पर वो लोग का जैसा सन वॉज बिग यू नो एंड वहाँ पे से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी सभी लोग तो करते हैं ना. तो वहाँ पे जैसे ही यूज्ड टू डू समथिंग, तो यहाँ पे व्हेन यू कम, क्योंकि सभी स्टेट में ना अलग अलग होता है, तो यहाँ पे जैसे न्यूयॉर्क में ना एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव. तो वही तब मैं सोच रही थी एंड शी ऑल्सो हैड बिग सन. तो नो दिस इज ये बहुत ही सच्चाई है. बाहर से ना लगता है कि अरे इफ़ यू स्टे इन ऑल दिस कंट्रीज, अभी जैसा आई थिंक सो जैसे मैं बोली सोशल मीडिया देख के सबको थोड़ा आइडिया हो गया है, पर पहले ना सबको ऐसा लगता था कि अरे अभी भी अरे तुम अमेरिका में रहती हो, अरे तुम कनाडा में रहती हो, पीपल को लगता है पता नहीं क्या है. बट ऐसा असलियत में कुछ भी नहीं है. एवरीवेयर यू हैव टू डू हार्ड वर्क, पर हाँ यहाँ पे हाउ मच यू अर्न, हाफ से ज़्यादा पैसा तो सब कुछ में ही चला जाता है बिकॉज एवरी थिंग इज एक्सपेंस. तो जो लोग बाहर रहते हैं सच्ची सच्ची कमेंट पे बताना हाउ मेनी ऑफ यू फेल दैट व्हेन यू लैंडेड टू ए फॉरेन कंट्री, एंड जब आप सब ने असलियत देखा दैट ओ माय गॉड जैसा सोचा था वैसा तो नहीं है, जितना अर्न करते हाफ से ज़्यादा तो सब कुछ चला ही जाता है ना अगर सेविंग्स करना हो. बहुत ही सच्चाई है. तो लाइक आपको बहुत थोड़ा दिल ऐसा उदास होकर ही करना पड़ता है बिकॉज देर आर मेनी थिंग्स जो आप इंडिया में करते थे वो यहाँ पे यू कांट डू इट बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव. देन आपको लगता है नहीं नहीं सेविंग्स करना है सेविंग्स करना है. तो नाउ द टाइम इज 3 o'clock, पर वो फेस भी चला जाता है. मेनी ऑफ देम रोट इन द कमेंट विच वॉज करेक्ट दैट हैव पेशेंस, यू नो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए था, यू शुड हैव एटलीस्ट स्टेड फॉर 1 year बिकॉज वो लोग बहुत जल्दी आई थिंक सो 2-2.5 months में ही चले गए. बट एट द एंड ऑफ द डे जहाँ पे आप खुश रहे वहाँ पे ही रहिए एंड डू वॉट एवर मेक्स यू फील हैप्पी. उसके साथ ही मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ एंड एंड में बाहर से करूँगी अभी ठीक है. तो चलिए मिलूँगी मैं आपसे कल विथ माई ब्लैक फ्राइडे का हॉल. होपफुली कल सना आएगी एंड देन आई कैन डू द हॉल. अंटिल देन स्टे हैप्पी एंड बाय बाय.